मैम बी सेक्शन इज मर्ज, बी रिएक्शन इज मैम बी सेक्शन इज मर्ज। मर्ज्ड। ओके बेटा ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टॉपिक सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, वर्कशीट निकाल लीजिए बेटा, साथ साथ में आंसर्स डिस्कस करते हैं और टॉपिक करेंगे। हाँ जी, वीरेंद्र सिंह फ्रॉम 7th D। वीरेंद्र सिंह फ्रॉम 7th D, मैम यस, आ जाओ बेटा आगे मैम यस आ गए। आ गए। द मैक्सिमम, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। यस, मैम ऑक्सीलेशन। ऑसिलेशन नहीं बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना गया उसका। देखो कुछ बेसिक टर्म्स होती है, एक मिनट बस मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। कुछ बेसिक टर्म्स होती है हमारी पेंडुलम के केस में, क्या क्या बेसिक टर्म होती है बेटा? फर्स्ट होती है, बताइए मुझे, एक होता है ऑसिलेशन, ठीक है। सेकेंड, एक हम करेंगे एम्पलीट्यूड। हाँ जी बेटा बोल दो, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। एंड एक हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइम पीरियड। ठीक है, देखो टाइम पीरियड से तो सीधा सीधा ही पता लग रहा है, अगर टाइम की बात हो रही होगी तो हम टाइम पीरियड की बात करेंगे। अगर हमारी मूवमेंट की बात होगी, कहीं पर भी मूवमेंट, पेंडुलम की किसी भी मूवमेंट की बात होती है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑसिलेशन। एंड अगर कुछ भी लेंथ की बात होती है, लेंथ की बोल दो या आप डिस्टेंस की बोल दो, तो हम किस टर्म को यूज करते हैं? एम्पलीट्यूड को। ये मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बता रही हूँ एमसीक्यू में स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने का। कई बार क्वेश्चंस हमारे पास ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि इसका आंसर ऑसिलेशन होगा या एम्पलीट्यूड होगा या कुछ और होगा, तो आप उसमें टर्म्स देखो कि आपसे डिस्टेंस के बारे में तो नहीं पूछा जा रहा है। डिस्टेंस से रिलेटेड एक और टर्म भी होती है, बट राइट नाउ वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपने पढ़ा है वेवलेंथ के बारे में? मुझे बताओ फिर, अगर किया तो थोड़ा मैं डिस्कस कर लूंगी, नहीं तो हम आगे चलेंगे। वेवलेंथ पढ़ा तो नहीं आपने? बताइए, नहीं किया? मैम नो हाँ, बस फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेशन, जब भी पेंडुलम की मूवमेंट के बारे में बात होगी कि पेंडुलम मूव कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है इस तरीके से, तो वो हम बात कर रहे हैं ऑसिलेशन की। व्हेन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट, व्हेन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट, यस। मूव्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एंड कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। ओके, 7th ही अली हुसैन, 7th ही अली हुसैन। यस मुझे आप बताइए मीन पोजीशन कहाँ होती है, वेयर इज द मीन पोजीशन? अब मैंने मैंने लेट अस ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स दिए, इन तीनों में से मीन पोजीशन कहाँ पर है? चलो मैम बी एट बी, तो वन ऑसिलेशन कब होगी? मैम दमन इज टॉकिंग, प्लीज आस्क हिम क्वेश्चन। हु इज टॉकिंग? दमन दमन इज टॉकिंग, वो कह रहे हैं मैंने आंसर देना है। अच्छा, यस अब जिसने दमन की कह रहे थे, जिसे वो बोला मैम उसने ही आंसर देना है। जिसने दमन की कंप्लेंट लगाई है, वो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अली अभी तक आप जाओ एक बार सीट पे वापस, आ जाओ। ये कौन सा सेक्शन था वैसे? डी, मैम डी आ सेक्शन। जाओ। नॉटी बच्चे हैं, एक नंबर के, है ना? हाँ यस जी, अब मुझे बताओ कि व्हेन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट। मैम व्हेन पॉइंट ए टू बी एंड बी टू से एंड सी टू बी। सी टू बी, ठीक है, वेरी गुड। पहले ऑब्जेक्ट
हमने अगर बी को मीन पोजीशन सपोज किया है बेटा, मीन पोजीशन सपोज कर लिया, ठीक है, देन फ्रॉम बी टू ए वो ऑब्जेक्ट बी टू ए गया, देन वो बी टू ए वापिस आया, बी टू सी चला गया, एंड देन वो सी से बी पर वापिस आ गया। जब ये पूरा कवर हो जाएगा तब वो बनेगी हमारी वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो वो क्या होती है, वन ऑसिलेशन। एंड टू कंप्लीट दैट वन ऑसिलेशन जो भी टाइम लगा उसको हम टाइम बोलते पीरियड। हैं टाइम पीरियड, ठीक है। आप क्लास से बाहर गए, आप अपनी सीट पे बैठे हो ना, क्लास से बाहर गए, बाहर से फिर वापस अंदर आ गए, आप अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ चुके हो। जब आप अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ जाओगे तब वो बनती है वन ऑसिलेशन। वो आपके बाहर जाने में और अंदर आने के लिए जो भी टाइम लगा दैट इज योर टाइम पीरियड। समझ आई इतनी बात? तो तीन ही टर्म्स हैं, ऑसिलेशंस, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। चलो अब एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ नया आएगा तो हम साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर वन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, एंगल, इट्स ठीक है, एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस बोल दें, डिस्प्लेसमेंट बोल दें, कुछ भी आ जाए तो वो क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड। सेवेंथ एफ में से मेरे पास शगुन प्रीत, एंड देन फ्रॉम सेवेंथ जी उदीप, गेट रेडी, पहले हेलो, शगुन देन उदीप। हाँ जी बेटा, हाँ सेवेंथ मैम, उदीप इज एब्सेंट। उदीप एबसेंट, देन अनामिका, ठीक है, गेट रेडी बेटा। द मोशन पेंडुलम इज बोथ डैश एंड डैश, ये सेवेंथ एफ, सेवेंथ एफ का कैमरा नीचे वर्किंग है ना आज, यस, ओके। चलिए बेटा आंसर दो मुझे, द मोशन पेंडुलम इज बोथ डैश एंड डैश। कैन हाँ जी बेटा, शगुन आई, यस मैम, कैन एक तो बताओ, एक मिनट बेटा, एक मिनट पूछती हूँ, आई। एक मोशन तो बताओ कम से कम, कौन सा मोशन है ये, एक तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। फर्स्ट टर्म अभी मैंने क्या लिखी थी, ये क्या लिखा था, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी किसने बताया ये मुझे, मैम, सेवेंथ ही हैरिका। ओके बेटा गुड। तो द मोशन इज ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मतलब जो इस तरीके का मोशन होता है, ठीक है, एंड दिस मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे, कैन एनीवन, मैम द मोशंस दैट कंप्लीट डिस्टेंस इन इक्वल पीरियड्स। यस, इक्वल मतलब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे अर्थ का मोशन अराउंड द सन क्या होगा, अगर ये सन है तो अर्थ का मोशन इज व्हाट, इट्स पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन, ठीक है, क्योंकि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम अराउंड द सन, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही मून का मोशन अराउंड द अर्थ, दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक, पीरियोडिक राइट यूनिफॉर्म। बेटा। यूनिफॉर्म ना, फिर हम इस कॉन्सेप्ट में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को रिलेट नहीं करते हैं, जब हमारे कोई व्हीकल्स वगैरह ट्रेवल करते हैं ना, फिर उनको हम नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म से रिलेट करते हैं, बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन, नो डाउट, अगर अर्थ मोशन कर रही है तो इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वो ऑप्शंस भी देखनी पड़ती है, कई बार यूनिफॉर्म दिया है या नहीं दिया, पीरियोडिक दिया है, ऑसिलेटरी दिया है, कुछ हमें टर्म्स के साथ भी जाना पड़ता है, ठीक है, बट दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज पीरियोडिक एज वेल एज यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चे, पीरियोडिक एंड यूनिफॉर्म मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अनामिका, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पेंडुलम पेंडुलम वन ऑसिलेशन व्हेन अ मूव्स फ्रॉम, मैम बी टू सी बी टू सी तो वन ऑसिलेशन नहीं हुई ना बेटा, पूरा पूरा बता दो, मैम बी टू सी सी टू ए एंड देन बैक टू बी, जहां जिस जहां जिस
करोगे ना तो वहां वापस आना पड़ेगा आपको। मतलब स्टार्टिंग अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट सेम होना चाहिए। जैसे कि ये पेंडुलम है, ये क्या लिखा हो सेंटर में, बी दिया हुआ है, एंड हेयर ए एंड देन सी। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो। अगर आपने बी से स्टार्टिंग की, बी टू सी गया, सी टू वापस बी पर आया, बी से फिर वो ए पर गया, एंड देन ए टू बी। नाउ दिस मोशन इज गिविंग वन ऑसिलेशन, ठीक है। बी टू सी, देन सी टू बी, देन बी टू ए, एंड देन बैक टू बी। ठीक है बच्चे, चलिए गो बैक टू योर सीट। ये सेवेंथ जी सा सैम, सेवेंथ जी सैम। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, द पोजीशन ओ ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड सेवेंथ ही फतेहवीर, आफ्टर दैट गेट एंड रेडी। सब का आंसर हम सी टू ए ही आएगा मैम। फतेहवीर इज लेफ्ट। ऑप्शंस फिलअप्स थोड़े गलत छोड़े गए हैं उसमें। अगर आपसे ऑसिलेशन पूछा जा रहा है तो आपको पूरा ही बताना पड़ेगा बेटा। यस मैम, ए से ऑसिलेशन पूछा है। ए तो लिखा ही नहीं हुआ मेरे पास, तो नहीं लिखा हुआ बेटा। मेरे क्वेश्चन बोलो सर, आपके पास क्या है? इन द फॉलोइंग डायग्राम द पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन ए मूव्स फ्रॉम डैश टू डैश। अच्छा, ए स्मॉल में लिखा हुआ है, ए कैपिटल कर लो बेटा पहले तो, मीट मीटर, ताकि आप उसको इजीली देख सको, ठीक है। देखो फिर ऐसे करो इसको, ये बी पोजीशन है, देन ए पोजीशन, एंड देन सी पोजीशन। फ्रॉम ए पूछा गया है ना बेटा, तो वापस ए पर आना पड़ेगा, तब वन ऑसिलेशन होगा। तो ए टू सी, देन सी टू ए, ठीक है। ए टू सी, फिर एंड सी टू ए, फिर ये ऑप्शन कर लो। ए पर तो आपको वापस आना पड़ेगा, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो उस पॉइंट पर आपको वापस आना पड़ेगा, तभी वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, ठीक है बच्चे। देन मेक द आंसर लाइक दिस, ए टू सी एंड देन सी टू ए। हुक हुक दे हुक उसके बाद उसके पास किस द पोजीशन ऑफ, पोजीशन यस सैम, हुक्ड, हुक फिक्स्ड पॉइंट, हुक, हुक नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे है इसको हम पॉइंट, राइट बेटा, दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट। चलिए गो बैक टू योर सीट नाउ। अच्छा ये जो पोजीशंस होती है इनको क्या बोलते हैं? पोजीशन ए एंड सी का क्या नेम होगा? दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस। ये लिख लो बेटा, हैंग हो गया, मैं 1 मिनट ठीक करवाती हूँ, लिख लीजिए एक्सट्रीम पोजीशंस, दोनों साइड लिख लो एक्सट्रीम पोजीशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने किसको बोला था, मेरे को नाम स्किप कर गया, फतेहवीर। मैम हाँ ही हैज लेफ्ट द स्कूल। फतेहवीर ऑल्सो लेफ्ट द स्कूल, पहले भी एक स्टूडेंट था जिसने लेफ्ट कर दिया था। चलो धनवीर फ्रॉम सेवन सी, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, हम कहना है देने दो बेटा एक बार उसको भी आंसर। हाँ जी धनवीर, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, वन ऑक्सीलेशन नो, ये लिखो जरा जल्दी से सभी, मैम। गो बैक टू सीट बेटा। लेंथ ऑफ द पेंडुलम हाँ जी, दो चीजें हैं बेटा, कोई भी चीज, टाइम पीरियड हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर।
ठीक है, टाइम पीरियड जितना बढ़ ज्यादा लेंथ हो जाएगी उतना ही टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेंथ डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड। ठीक है, मास, अगर पेंडुलम मेरा कम वेट का है, कम मास का है या ज्यादा मास का है, क्या उससे टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? मैम यस, नो, मास डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। लिख लो ये भी, मास डोंट हैव एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मास का। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पेंडुलम। ठीक है जी, समझ आया? ये लिख लो। यस उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 1 सेकेंड, देन इट्स टाइम पीरियड इज। ठीक है बेटा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखा है। मैम इसको टाइम पीरियड कर लो बेटा। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है नहीं ना आपके सिलेबस में, मिके टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कट कर दो, टाइम पीरियड लिख। ठीक है, किस किस को ये क्वेश्चन आता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो जरा। टाइम टेकन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। अच्छा लिखो, थर्टी आंसर। टाइम पीरियड 30 सेकेंड होगा। फॉर्मूला उल्टा नहीं बोल रहे हो आप? वो फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होगा टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। इसको रिवर्स कर दो फॉर्मूले को। मैम टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस। यस यस, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा लिखिए जरा। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। जो आपने, जिसने भी मुझे पहले 30 वाला आंसर दिया, वो फ्रीक्वेंसी निकली थी। ठीक है, हमने टाइम पीरियड निकालना है तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है। टाइम ऊपर आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये बना 1/30, ये बना सबका। मैम यस, इसकी इसको डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आंसर आया क्विकली। 0.334। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं, वो हैंग हो गया सारा। चलो नहीं, इधर इधर बोर्ड से। ठीक है सर, चलिए बेटा, इट्स 0.33 सेकेंड, राइट बच्चे? तो फॉर्मूला माइंड में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के, बहुत ज्यादा वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बट करना ऐसे ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट रीड करो बेटा जल्दी से। कौन आएगा? बनीत फ्रॉम 7A। मैम हाँ जी बेटा बोलिए। मैम कैन यू यूज व्हाइट स्केच पेन नाइदर ऑफ रेड? हम कैन व्हाट यू आर सेइंग बच्चे? यू यूज व्हाइट स्केच पेन देन रेड, बनीत इज इट्स नॉट एब्सेंट। विजिबल। व्हाइट आई कैन बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू मैम। बच्चे, सी, यू आर प्रोवाइडेड विथ टू क्लॉक्स, ए हैव बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अगर आप देखो बेटा, क्लॉक्स देखोगे ना दो डायग्राम्स में, एक के अंदर क्या बना हुआ है? सिर्फ मिनट हैंड है और आर हैंड है, और बी में क्या बना हुआ है? सेकंड हैंड भी बनी हुई है। तो आपके अकॉर्डिंग मोर एक्यूरेट टाइम कौन सी क्लॉक देगी, ए और बी? बी बी में, बी हम सेकंड्स में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या ए में हम सेकंड्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं? नो अगर मुझे टाइम पता करना हो
कि 5 आवर्स 30 मिनट 7 सेकेंड्स, तो कौन सी वॉच मुझे यूज करनी पड़ेगी? तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, आपने इसको खुद ट्राई करना है ये, ठीक है? बेसिकली ऐसा ही है ये सारा क्वेश्चन। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, कहना है तो कहना है बी आ जाओ, ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी नेक्स्ट। ऑप्शन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बल्ब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ पेंडुलम इट्स डैश विल ऑल्सो इंक्रीज। सम टाइम टाइम पीरियड, पीरियड, ऑसिलेशन, बेटा टाइम पीरियड। अभी मैंने बताया लेंथ से सिर्फ और सिर्फ, जब भी लेंथ चेंज होती है ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है? टाइम पीरियड, ठीक है? लेंथ जब भी चेंज होगी, अभी विजिबल है बेटा, लेंथ चेंज, टाइम पीरियड। इसके आंसर में ना बेटा, वैसे जो राइट ऑप्शन बनेगी ना, फ्रीक्वेंसी भी आएगा, बट आपके सिलेबस में है नहीं तो फिलहाल आप टाइम पीरियड के साथ चले जाओ, बट राइट आंसर में इसका फ्रीक्वेंसी भी आएगा, ठीक है? टाइम पीरियड चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली चेंज होगी ही होगी। उसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना हमने, अब फिफ्थ पर आइए। द टाइम इंटरवल ऑफ रेस ऑफ एन एथलीट इज मेजर्ड बाय, स्टॉप वॉच मैम, फोर्थ का हाफ, फोर्थ का हाफ होगा बेटा, यस, फोर्थ का आंसर होगा हाफ, अदरवाइज हाफ होगा, मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 7। इफ टू पेंडुलम्स हैविंग बॉब्स ऑफ मासेस M1 एंड M2, मास ऑफ M1 इज ग्रेटर देन M2, यू M1, स्किप द सिक्स्थ क्वेश्चन, यू स्किप द सिक्स्थ मैं क्वेश्चन। बताती हूँ बेटा, बताती हूँ, सिक्स भी कर देखते हैं। फ्रीक्वेंसी बेटा, अगेन फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट है नहीं ना हमारे सिलेबस में, इसलिए कट किया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है? टाइम पीरियड 2 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो फॉर्मूला में बता देती हूँ। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, वन डिवाइड बाय टाइम, बस फिर कर लो, किया हुआ है क्लास में। नो हाँ तो बस फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम पीरियड गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं, 1/2 हो जाएगा, हाँ जी, 0.5 आवर्स, 0.5 आ जाएगा, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स। कर लो सॉल्व करने, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, यहां से, ठीक है बच्चे? चलिए करें आगे स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ टू पेंडुलम्स हैविंग बॉब्स ऑफ मासेस M1 एंड M2, बॉब 1 जो है वो हैवी है, बॉब 2 है जो वो लाइट वेट का है, रिस्पेक्टिवली आर फोर्स्ड बाय सेम फोर्स टू ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाया गया सो दैट दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग, देन द टाइम पीरियड T1 इज। अब मुझे ये बताना, जो टाइम T1 है इट इज इक्वल टू T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज लेस देन T2, इन तीनों में से ऑप्शन बता दो, और लास्ट इज 0। 0 तो चलो छोड़ दो, 0 इज नॉट द आंसर। मैम T1 इज इक्वल टू T2, T2 A ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, द रीजन बीइंग मैंने अभी बताया था, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिपेंड ऑन मास, मास। मास चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, तो टाइम पीरियड नहीं बदलेगा, ठीक है? टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, लेंथ चेंज हो जाती फिर बदल जाता। अगर बोल देते कि बॉब 1 में लेंथ है ग्रेटर और लेंथ 2 जो है वो कम है, फिर टाइम पीरियड चेंज हो जाते, ठीक है बच्चे? अभी नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 8।
इफ द टाइम टेकन बाय पेंडुलम वॉक टू मूव फ्रॉम टू पोजिशन टू वन एंड इज 0.2 सेकेंड, देन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, मैम ए 0.8 सेकेंड। जीरो पॉइंट एट सेकेंड्स। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, मैं समझा देती हूँ जिनको नहीं पता लग रहा। ये बॉब है, लेट अस से इट इज एट पॉइंट ए, और ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है, राइट? दिस इज द मीन पोजीशन। नाउ इट इज गोइंग टू पॉइंट बी, यहां से यहां तक आने में इसको लग रहा है 0.2 सेकेंड। अब उसको मेन पोजीशन पर आना है, तो ये सी पर भी जाएगा पहले, ए से बी पर गया 0.2 सेकेंड, वापिस आया अगेन 0.2 सेकेंड, ए से वो सी पर जाएगा फिर 0.2 सेकेंड, एंड देन सी टू ए आएगा फिर 0.2 सेकेंड्स। ऐड करो सारा, कितना हो गया, 0.8 सेकेंड्स। वेरी गुड। समझ आया ये बेटा सबको? कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट जिसको ये ना समझ आया हो? गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो, ठीक है? बी वेरी केयरफुल, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता और दो दो नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे वाले, ठीक है? फ्री के नंबर होते हैं ये, थोड़ा सा अटेंटिवली, राइट बच्चे? नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट अंडरगोज 10 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। फटाफट से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 16, 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले टाइम पीरियड का, देख 2 सेकेंड। लेते हैं बेटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला इज टोटल टाइम टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, इसके साथ साथ सॉल्व करो सभी, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, उसी के साथ ये सॉल्यूशन लिखो पूरा इसका। टाइम पीरियड इक्वल्स टू टोटल वे टाइम, ऑप्शन तो टाइम पीरियड कितना है, 5, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन आर 10। एन अब बताओ कितना आंसर है, लगे हुए हो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। मैम जीरो 0.5 सेकंड। 0.5 सेकेंड। हाउ इट इज टू, उल्टा लिखोगे तो 2 आएगा, 10/5 लिखोगे तब 2 आएगा, ठीक है? हाँ मैम हमें करवाया है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। नहीं बेटा, टाइम पीरियड इज टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा। आप चेक कीजिए जरा, टीचर एक बार आप देखना जरा क्या आप बच्चे बोल रहे हैं। मैम जैसे आपने करवाया मैम है वैसे ही करवाया है हमें भी। हाँ, फिर बेटा ध्यान से, वो फ्रीक्वेंसी का होता है जो आप बोल रहे हो ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऊपर है और टोटल टाइम नीचे है, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जो कि हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, टाइम पीरियड का करना है। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ऊपर टाइम होता है, नीचे नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है बच्चे? बी वेरी केयरफुल, राइट? ओके मैम। हाँ जी। सो दिस वर्कशीट इज कंप्लीटेड बेटा। आई एम गोइंग टू डिस्कस गिविंग यू सम न्यूमेरिकल्स रिलेटिंग टू स्पीड, ठीक है? नोट कीजिए न्यूमेरिकल एंड स्टार्ट डूइंग देम। ये कर लो जरा जल्दी से। मैम यू हैव गिवन ग्राफ एज हाँ बना होमवर्क। किया होमवर्क सबने? मैम यस ओके किस यस किस का ग्राफ ऐसा बना, इस टाइप से ग्राफ आया किसी का ऐसा कुछ, ये वाला ग्राफ बना या फिर ऐसा ग्राफ बना, ए टाइप का ग्राफ बना या बी टाइप का ग्राफ बना, बी टाइप। कर्व बने, कर्व बना या स्ट्रेट लाइंस बनी, ये बताओ, या कुछ और बना, ऐसा भी किसी का आया, मैम कर्व्ड इस टाइप से कुछ आया किसी का, मैम यस किस किस का ये लास्ट वाली पोजीशन आई है, फॉर सेकंड फेस, सेकंड क्वेश्चन, ये आई नहीं होगा सबने, है ना?
मैम जो थर्ड ग्राफ है वो जो सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ हमें दिया उसका आ रहा है। ये वाला है ना, सेकेंड ग्राफ का ऐसे बनेगा बेटा, मैम क्योंकि यस डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट ग्राफ कैसा बना बच्चे? फर्स्ट ग्राफ कैसा बना? कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, मतलब एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं, जिगजैग जिगजैग टाइप बनेगा। जिगजैग किस किस का जिगजैग टाइप बन रहा है? गुड, वेरी गुड, 7th ही में से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया है, वेरी गुड। 7th हैव तो आज दिख ही नहीं रही है ना, अगर हैंड रेज कर रहे किए भी होंगे तो भी नहीं पता लगेगा। चलो मैम। बेटा जो बाकी सेकंड सब क्वेश्चन कंप्लीट। है, मैम जो हाँ सेकंड क्वेश्चन है मैम, उसमें जो बॉडी है वो रेस्ट पे है ना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, तभी उसका डिस्टेंस सेम है ना, 40 40 40 एंड 40, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कीजिए। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्लियर है आप सबको? कोई डाउट है? ये यस कैसा ग्राफ है, कौन से मोशन का ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म, यस नॉन यूनिफॉर्म। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या पता लगता है, क्या आइडेंटिफाई करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से? स्पीड। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इंफॉर्मेशन डज डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, तो क्या क्वांटिटी मिलती है हमें? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता प्लीज है? रिपीट द क्वेश्चन। डिस्टेंस हाँ जी बताती हूँ बेटा, आई एम रिपीटिंग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपके पास कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो उस ग्राफ से आप क्या फाइंड कर सकते हो? देखो आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको टाइम भी पता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम गिव्स स्पीड। तो क्वेश्चन क्या आता है, लिख लो, व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू हैव फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे? इट गिव्स अस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट बच्चे? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ राइट डाउन वन क्वेश्चन बेटा, राइट डाउन वन क्वेश्चन। बोलू मैं, यस अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर, 45 किलोमीटर्स पर आवर टेक्स 5 आवर्स, 5 आवर्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। 9 किलोमीटर पर आर मैम, हाँ 200 किलोमीटर देखो, मैम, 225 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, यहां से डिस्टेंस निकालना है ना बेटा, डिस्टेंस 25 किलोमीटर किलोमीटर पर को आर क्रॉस पर आने का टू मल्टीप्लाई, हंड्रेड ट्वेंटी क्रॉस फाइव किलोमीटर मल्टीप्लाई करना आता है ना, जो चीज हमें निकालनी है उसको यही रखो और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? स्पीड इनटू टाइम। टाइम। ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं बेटा, ठीक है? इनमें से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है आपसे, स्पीड पूछ सकते हैं आपसे, डिस्टेंस पूछ सकते हैं आपसे, टाइम भी पूछ सकते हैं, कोई भी एक चीज, दो क्वांटिटीज दे देंगे आपको, थर्ड आपसे पूछ ली जाएगी। तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी दी हुई है?
45 एंड टाइम कितना दिया हुआ है 5, फाइव कितना आया मैम 225 किलो मीटर्स। देखो ऊपर यूनिट में लिखा हुआ है ना 45 किलोमीटर्स पर आवर। देखो ये दिया हुआ है ना आपको स्पीड, ठीक है, ये आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस आपका आएगा किलोमीटर्स में, ठीक है। अगर यूनिट दी होती मीटर पर सेकंड में तो आंसर आता मीटर्स में, ये ध्यान रखना है यूनिट्स के लिए। ठीक है बच्चे, नोट कर लो, एक क्वेश्चन और दे रही हूं, इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। शुड आई स्पीक? चले लिखे, अ ट्रेन मूविंग, अ ट्रेन मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर्स पर आवर। फ्रॉम सिटी ए, फ्रॉम सिटी ए व्हेन विल इट रीच, व्हेन विल इट रीच टू सिटी बी, टू सिटी बी विच इज 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए। वेरी सिक्स गुड, ठीक है, पर मैं करवा दूं बेटा, सभी बच्चों को नहीं आता होता, मेरे को पता है इस चीज का, ठीक है, हमें टाइम निकालना है तो टाइम है एक्स आवर्स। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक सिटी ए है, यहां से एक व्हीकल स्टार्ट होता है चलना, कार स्टार्ट होती है, कितनी स्पीड के साथ 80 किलोमीटर पर आवर के साथ। सिटी बी है, यहां तक उसे आना है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है बेटा 480 किलोमीटर, सिटी ए से सिटी बी का। तो मुझे ये बताना है ए टू बी आने में उस कार को कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम मुझे अब टाइम निकालना है ना, टाइम को ऊपर ले जाओ और स्पीड को नीचे ले आओ, क्रॉस डिस्टेंस मल्टीप्लाई आता है ना आपको सबको करना। हाँ अपॉन स्पीड जी, डिस्टेंस कितना है 480 एंड स्पीड है 80, तो 480 जीरो कैंसिल, 8 6 40, टाइम लगा 6 आवर्स, सिक्स ठीक है बच्चे। अभी आवर्स न्यूमेरिकल्स, अगर एग्जाम में डेफिनेटली न्यूमेरिकल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आते ही है न्यूमेरिकल्स एग्जाम में, तो आपके न्यूमेरिकल्स क्लास में किसी भी स्टूडेंट के गलत नहीं होने चाहिए, डू प्रैक्टिस फॉर देम, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चे। यूनिट्स का ध्यान रखना है, किलोमीटर है तो किलोमीटर में आंसर, आवर्स है तो आवर्स में आंसर, यूनिट जरूर अप्लाई करनी है, यूनिट्स के बिना आंसर नहीं छोड़ना आपने, ठीक है बच्चे, नोट कर लिया बेटा सबने। प्लीज वेट। आई एम वेटिंग बच्चे, आप कर लो आराम से नोट।
गेस बच्चे कंप्लीटेड. चलो सेवेंथ हेफ का फाइनली कैमरा ऑन हो गया. दर्शन दे दिए क्लास ने, है ना. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. ओके देन, बाय एवरीवन. बेटा अगर नोट हो गया तो चल. ओके, थैंक यू सो मच. बाय मैम. बाय बाय मैम. Hi everyone. Come on. Gracias.